हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर कोचिंग सेंटर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों पूरे 11th और 12th का एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है हमारी केमिस्ट्री का। हाइब्रिडाइजेशन बहुत सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को कंपाउंड्स की इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें से एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तीन मेन टाइप के हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3। sp हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 50% s कैरेक्टर होता है, s कैरेक्टर 50%, यहां होता है 33%, यहां होता है 25%। s कैरेक्टर जहां पर जितना ज्यादा है बच्चों, जैसे यहां पर बहुत ज्यादा है, यानी कि यहां पर s ऑर्बिटल ज्यादा है, मोर s ऑर्बिटल, यहां पर s ऑर्बिटल कम है, लेस s ऑर्बिटल। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा है उसकी ज्यादा होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ये बात आपने कई बार पढ़ी होगी, पर शायद ये बात का आपको पता नहीं होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतना ज्यादा वो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, एक और पॉइंट होता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर होता है कि कोई सबशेल, ये जो सारी सबशेल्स होती हैं spdf, ये कहां होती हैं, न्यूक्लियस के आसपास होती हैं, ये न्यूक्लियस के कितना क्लोजर अप्रोच कर सकती हैं, कितना नियर रह सकती हैं, उसे बोला जाता है पेनिट्रेशन पावर। और उसका ऑर्डर ये होता है spdf, s का सबसे ज्यादा होता है। s का सबसे ज्यादा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि s की शेप कैसी है, शेप इज स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप मींस इट इज जस्ट सिमिलर टू द शेप ऑफ न्यूक्लियस, सिमिलर टू न्यूक्लियस। नाउ इफ एनी सबशेल हैज द शेप सिमिलर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, s subshell is also spherical, so it can remain closer to the nucleus, ye nucleus ke aas paas reh sakti hai ab s subshell. Jab s subshell nucleus ke paas hai to electrons ke upar uska attraction bhi zyada hai nucleus ka, to bahut easily electron is s subshell mein enter ho jayenge, aur enter ho jayenge isiliye jahan par s zyada wahan par electronegativity bhi zyada, kyunki s ne electrons ko easily accept kar liya, electrons are easily accepted in s subshell. To kya reason hoga bachcho s subshell mein kyun easily accept hue, kyunki s ki penetration power zyada hai. S ki penetration power zyada kyun hai, kyunki s ki shape that is similar to nucleus, nucleus is also spherical, s is also spherical. ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे डिपेंड करती है।